गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़िंग में 20 घंटों से हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश से फसलें जलमग्न हो गई हैं, कहीं तालाब फूट गए हैं। किसानों को हुए नुकसान पर राहत मिलेगी या नहीं, ये चिंता सता रही है। उनका आरोप है कि 3 वर्षों से गांव का पानी नाले द्वारा किसानों के खेतों तक आ जाता है, फिर ऊपर से बारिश उन्हें जीने नहीं देती। नाले को लेकर कई बार किसान विभागीय अधिकारी और एसडीएम गोवर्धन से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी अफसर उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। यहां गैंती फावड़ा लेकर खुद ही किसान खेतों में भरे हुए पानी की निकासी का इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही ट्यूबवेलों के माध्यम से पानी को निकाला जा रहा है। प्रशासन ने उनकी मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि उस पर फोन नहीं लगते। इस दौरान लाल सिंह सैनी, यादराम सैनी, कृष्ण गोपाल सैनी, गिरधारी सैनी, दाऊदयाल सैनी, मकसूदन मास्टर, इंदर शर्मा सहित आदि तमाम किसानों की आलू और गेहूं की फसल में भारी नुकसान हुआ है। यादराम, अरे क्या कुछ परेशानियाँ लगातार बारिश हो रही है, क्या कोई नुकसान आपको? परेशानी जी है क्या, बारिश थे यहाँ पे झील सबरी भरी भई है, जो क्या या तो आलू भर गए, गेहूँ भर गए, बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब सबरे कब से बारिश पड़ रही है? बारिश पड़ रही है कल, मतलब जो क्या 3 बजे से लगातार। हाँ जी, तो कितना नुकसान आपके लगभग आलू में हुआ है? नुकसान तो आलू जो मानो, आलू तो जो क्या है, कितने बीघा? कम से कम 10 बीघे आलू तो बेकार है। और गेहूँ है को अभी, मतलब सगरे गांव को पानी यहीं आ रो है जी, पोखर पूरी तन नहीं है, ये नाले पे तो ऊपर है को जल के नहीं है, पानी जो का खेतन में जा रो है। तो क्या उम्मीद और सरकार से करते हैं? सरकार तो उम्मीद जी है कि या पानी को कोई भी इंतजाम हो तो जाते, मतलब इन किसानों की कछु वो हो नहीं, खेती तो बेकार है। ऊपर पानी चल रहा है साहब, और दिन रात नहीं पड़े और गाँव के पूरा पानी आवे, यहाँ बरसात के तो घर सूखो जाए, पर ही गांव को पानी नहीं सूखे। अच्छा, गांव की नालियों का पानी यही आता है खेतों में? सबरे नाली को पानी यही आता है, हमारे यहाँ पोखर में जो हमारे खेतों में कूदता है, अंजन अंते और ट्रैक्टर अंते निकालते। इसको लेकर आपने एसडीएम से या कोई एसडीएम के पास 3 बार गए और 3 बार जो गए, यहाँ भेज रहा हूँ, आज तक नहीं भेजे। 3 साल तक हम हर साल जाते हैं इनके पास, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं है साहब। और क्या नाम आपका? डोईलाल। क्या कुछ नुकसान हुआ है आपको? बीस घंटे लगातार जो बारिश पड़ रही है आज से नहीं, ये करीब ना तो 10 साल पहले से काली चली आ रही है। क्या है कि जो पानी गांव का है वो सब यहीं आता है, जाड़ों में चौमासे में तो ये सब भर ही जाता है, जाड़ों में पानी आके इकट्ठा हो जाता है और ये किसानों को परेशान करता है, किसानों के गेहूँ को, आलू को, जो भी हम फसल बोते हैं उसको सबको डुबो देता है। और हमने इसकी शिकायत तो एसडीएम साहब से भी 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद अब के हमने विधायक जी से भी शिकायत की थी, तो विधायक जी कह रहे थे मैं जेई साहब को भेज दूंगा, और हमारे सामने जेई साहब से कहा था उन्होंने, और जेई साहब आज तक देखने नहीं आए कि इसके क्या सोल्यूशन निकल सकता है, क्या हो सकता है, कैसे इन किसानों की राहत मिल सकती है। करीब ये 50-60 बीघा जमीन इस पानी से डैशनेस हो जाती है, इतना पानी आता है। अब हम हर साल इस पानी को किराए पे ट्रैक्टर ला के बर्मा लगवा के इस पानी को नहर में गिरवाते हैं, हर साल हमारे 50-50, 60-60 हज़ार रुपये हर साल हमारे लग जाते हैं। तो इतनी हम कमाई कर पाते हैं, इतने पैसे हमारे वहाँ लग जाते हैं, बताओ आप हम क्या करें? अच्छा, ये लगातार 20 घंटों से बारिश पड़ रही है, इसको लेकर कुछ और कोई? जी साहब, हम 5 बजे से, सुबह 5 बजे से हम यहाँ पर लग रहे हैं, मेड़ों पर माटी धर रहे हैं, पानी को इंजनों लगा के निकाल रहे हैं नाले में ही, वापसी क्या करें, हम लग रहे हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं उसके। ये कल से ही बारिश पड़ रही है, इस बारिश में हम भीज भी रहे हैं, इतनी बारिश पड़ रही है कि खेतों में पानी है उसको हम निकाल रहे हैं, ये नाले से पानी जा रहा है वापसी उसको भी निकाल रहे हैं, मेड़ों पर माटी धर रहे हैं। अरे, ये खेतों में जो पानी भरा हुआ है वो बारिश के अलावा और बाकी का भी पानी आ जाता है? ये गांव का पानी आता है, पूरा गांव का पानी आता है, बारिश का पानी तो सूख जाएगा, लेकिन ये गांव का पानी आता है, इसका क्या करें हम?